हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बात कर रहे थे क्लास टेंथ की एनसीईआरटी मैथ को, एनसीईआरटी मैथ देख रहे थे, जो आज हम लोग करने वाले प्रश्नावली 8.3 को प्रश्न संख्या दो का पहला हम करने वाले हैं। आइए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है टैन 48 डिग्री इंटू में टैन 23 डिग्री इंटू टैन 42 डिग्री गुने में टैन 67 डिग्री बराबर एक। इतना बराबर एक हमें प्रूफ करना है, तो आइए प्रूफ करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। दोस्तों टैन 48 डिग्री और टैन 23 डिग्री, टैन 42 और टैन 67 डिग्री, आइए इसको सही करते हैं। तो हम इसको पहले सही कर लेंगे, टैन 48 और 42 को एक साथ कर लेंगे, टैन 30 और 67 को एक साथ कर लेते हैं। टैन 48 डिग्री इंटू टैन 42 डिग्री इंटू टैन 67 इंटू में टेन 23 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, टेन को बदल लेते हैं, टेन को हम कोट में बदल लेते हैं, टेन 90 डिग्री माइनस में हो जाएगा 42 डिग्री, क्या कि हम टेन को जब कोट में लेते हैं टेन क्या हो जाएगा कोट, और एंगल हमारा हो जाएगा 42 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 90 माइनस 42 जाएगा था 48 हो जाएगा। चलिए इसको उतारते हैं, टेन 42 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं तो टेन 67 को चेंज करेंगे तो हो जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस में 23 डिग्री इंटू ये वाला हमारा उतर गया जाएगा यहाँ पे टेन 23 डिग्री। चलिए इसको बदलते हैं तो टेन हमारा बदल जाएगा टेन कॉट में, यहाँ पे हो जाएगा कॉट, यहाँ पे 42 डिग्री इंटू टेन 42 डिग्री, टेन 42 डिग्री गुना में यहाँ पे टेन फिर बदल जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस 23, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट 23। तो इसको लिखते हैं कॉट 23 डिग्री इंटू टेन 23 डिग्री, तो टेन टेन थीटा इंटू टेन थीटा बराबर एक होता है, दोनों को गुना करने पर हमारा मान आता है एक, तो इतना का मान हो जाएगा हमारा एक, और ये हो जाएगा फिर हमारा एक, तो ये एक गुना में एक, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा, सॉल्व करके लेंगे तो एक इसका आंसर आएगा, एक में एक से गुना करेंगे तो आंसर हो जाएगा एक। तो दोस्तों इस तरह हमने प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न संख्या दो का एक किया। आइए प्रश्न संख्या दो का दूसरा सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या दो का एक हमने सॉल्व किया, प्रश्न संख्या दो का दूसरा को सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं, कहता है प्रश्न कहता है कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस में साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री बराबर जीरो, हमें क्या करना है साबित करना है, इतना को सॉल्व करके हमें जीरो के बराबर लाना है। चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम चेंज करेंगे कॉस 38 को कॉस 52 में, तो यहाँ पे हम चेंज करते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, यहाँ पे हम जेस के तहत उतार लेंगे कॉस 52 डिग्री, माइनस है तो माइनस के चिन्ह देंगे, साइन साइन को इसमें बदलेंगे तो हम बदलते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री इंटू साइन 52 साइन 52। चलिए सॉल्व करते हैं तो कॉस हमारा बदल जाएगा किसमें, साइन में, कॉस बदल जाएगा साइन में, एंगल हमारा हो जाएगा 52, एंगल कितना हो जाएगा 52 इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस में साइन को बदलेंगे तो साइन हमारा हो जाएगा कॉस में चेंज, किस में हो जाएगा कॉस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है तो कॉस 52, कॉस 52 इंटू साइन 52। चलिए गुना करते हैं तो दोस्तों साइन और कॉस, साइन इंटू कॉस बराबर होता है 1, साइन इंटू कॉस बराबर कितना होता है
वन, तो इसका मान हो जाएगा हमारा वन, फिर इसका निकल कर आ जाएगा वन, तो वन में वन से गुना, सॉरी वन माइनस वन, तो वन में वन घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा आंसर जीरो, जीरो हमारा इसका राइट आंसर है इसका दो का दूसरा। तो दोस्तों इस तरह हमने प्रश्न संख्या प्रश्नावली 8.3 का दो का एक और दो दोनों देखा। अगले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 3 को देखने वाले हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।